आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी जे मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू साइन 36 इज अ रूट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। अब क्या करा है अपने के पास, ये जो चार इक्वेशन दे रखा है इन चारों इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू साइन 36 किनके रूट्स है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू दे रखा है साइन 36 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ किसको लगता है, जिसको अल्फा इक्वल टू साइन 36 कॉस 72 इन सारे का वैल्यू नहीं पता हो, साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 टेन 75 इन साइन सारे 22 डिग्री, अगर यहाँ पर सारे 22 डिग्री दे रखा हो तो क्या होता, ठीक है। अगर जिन सबको वो वैल्यू याद नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा उनको टफ लगता है, इसीलिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू के अलावा जो भी अपने पास ये जे मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड है, उन सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं, ठीक है। तो मैं मान चलता हूँ कि आपको याद होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस 36 डिग्री का डबल क्या होता है 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर जिन सबको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो रट्टा मान लीजिए, ये आता है रूट 5 माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 4 के बराबर। अब जिन सबको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपने के पास जा करके अपनी भैंस चराइए, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा। अब अपने पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ से वैल्यू जैसे चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने कैसे आ जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 72 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 36 यानी साइन स्क्वायर 36 के बराबर, और यहाँ पर अपने कैसे क्या जाएंगे 2 के बराबर, इक्वल टू किस आ जाएंगे रूट 5 और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में 4 के बराबर, यही तो अल्फा है, यही तो अपने कैसे क्या अल्फा है, ये किस आ जाएंगे तो 1 माइनस 2 अल्फा ये हो जाएंगे और अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो रूट 5 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 4 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो रूट 5 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 8 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर रूट 5 बराबर, इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास रूट 5 के बराबर, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो किसी में अपने पास रूट 5 है नहीं, जब रूट 5 नहीं है तो अपने पास क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर करते हैं इधर भी अपने पास स्क्वायर करते हैं और इधर भी अपने पास स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास 64 अल्फा स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 25 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 8×5=40 दूनी 80, माइनस टाइम्स 80 अल्फा के बराबर, ठीक है अल्फा स्क्वायर के बराबर, यहाँ से अपने के पास अल्फा स्क्वायर है ना तो ये ऑलरेडी अल्फा के पावर क्या हो जाएंगे 4 के बराबर, एक उल्टा आ गया किस के बराबर 5 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने के पास 64 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 80 अल्फा स्क्वायर, देख रहे हैं फिर अल्फा स्क्वायर लिख दिए और यहाँ से आ गया अपने के पास 25 है और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 20 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, ये नॉट अल्फा स्क्वायर है बल्कि अपने पास क्या जाएंगे अल्फा के पावर 4 के बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपने के पास 4 कॉमन आ जाएगा, जैसे 4 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 60 अल्फा के पावर 4 माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 20 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, अब तो कॉमन आ नहीं रहा है, जब कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ से अल्फा को क्या कीजिए x से रिप्लेस कर दीजिए तो 16x स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये किस तरह जाएंगे 20x स्क्वायर, देख लें फिर x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस टाइम्स 20x और प्लस टाइम्स अपने के पास x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ये अपने के पास 16x की पावर 4 माइनस टाइम्स 20x स्क्वायर 16 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर अपने के पास बताइए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं लेकिन बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर वैल्यू नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये थे आपके जे मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।